हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल मेडिस्टार। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपके पास कुछ टाइम हो तभी आप जो है इस वीडियो को देखें, वरना आप स्किप कर दें, बाद में देख सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से दो इंजेक्शन एक में मिक्स ना करें। काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं और काफ़ी लोग जो है गलती भी कर देते हैं, तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से दो इंजेक्शन एक में मिक्स नहीं करना है। एंड यहाँ देखिए लिखा गया है कौन से दो इंजेक्शन एक में मिक्स कर सकते हैं। भाई सबके बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब कौन से मिक्स नहीं करने हैं और कौन से मिक्स कर सकते हैं, और जो है जनरली कॉमन गलती लोग क्या करते हैं, डॉक्टर हुए, RMP डॉक्टर हुए, या फिर कोई मतलब प्रैक्टिशनर हुआ, या फिर यहाँ तक बोलें कि स्टाफ नर्स वगैरह भी जो है, नर्सिंग स्टाफ भी जो है कुछ कॉमन गलतियां करती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा समय लग सकता है बट आपको जो भी चीज़ बताएंगे क्लियर होगा। सो आप वीडियो देख सकते हैं, अगर देखना चाहें तो, स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। सिंपल है, यहाँ देखिए लिखा गया है NOTE। नोट का मतलब होता है, कहीं पर भी अगर आपको नोट लिखा दिखाई दे तो समझ जाएँ कि ये जो नोट है मतलब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें ही बताई गई हैं, कोई फालतू की बात नहीं बताई गई है। तो नोट में जो भी लिखा जाता है अच्छी बातें ही होती हैं। जैसे कि लिखा गया है, किसी भी बुक में कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि किसी भी दो इंजेक्शन को एक में मिक्स करें। ओके, कोई भी जो किताब है, आप हज़ारों प्रकार की किताबें सपोज करो उठाए, इसमें आप पलट पलट के देखेंगे, कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है कि आप जो है किसी भी दो इंजेक्शन को एक में मिलाकर लगाएँ। इसीलिए आप देखते होंगे लगभग 50% नहीं तो 60% जो डॉक्टर हैं वो जो है हर एक इंजेक्शन को सिंगल ही IV या फिर IM जो भी करना होता है वो सिंगल ही लगाते हैं। ओके, तो मतलब कहीं पर किसी भी बुक में नहीं लिखा गया है, लेकिन क्या है, आप यहाँ देखते होंगे आसपास 50% डॉक्टर ऐसे हैं जो कि दो इंजेक्शन को मिक्स करते हैं आपस में, उसके बाद उसको लगा देते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, कौन से इंजेक्शन मिक्स करने चाहिए कौन से नहीं, इसके बारे में हम अगले स्लाइड पर बात कर लेते हैं। सिंपल है, देखिए मिलाए जा सकने वाले इंजेक्शन, कुछ ऐसे इंजेक्शन सभी हम आपको बता रहे हैं और उसके यूजेस भी बताएंगे जो कि आप मिला सकते हैं। सिंपल है, लिखा गया है रेनिटिडिन प्लस मेटोक्लोप्रामाइड। अब रेनिटिडिन मतलब एसिलाक नाम से यहाँ देखिए ब्रांड नेम लगाया गया है, मेटोक्लोप्रामाइड पेरिनॉर्म नाम से लगाया गया है। ओके, बेसिकली यहाँ IM यूज ओनली लिखा गया है, वायल है, आप देख लीजिएगा कहीं कहीं पेरिनॉर्म पे IV भी लिखा होता है। सो अगर IV लिखा है तब आप दोनों मिला करके IV करेंगे, वो भी बहुत स्लो करेंगे, और अगर IM यहाँ लिखा गया है तो दोनों मिला करके IM करेंगे। करना कहाँ है, किसी को उल्टी है, मतलब किसी को उल्टी हो रही है, पेट में गैस भी बहुत ज़्यादा बना हुआ है, गैस बनने के कारण उल्टी हो रही है, चक्कर आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप मिक्स करके क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो अभी आपको एक इंजेक्शन क्लियर हुआ कि रेनिटिडिन प्लस मेटोक्लोप्रामाइड सेफ है, लगाया जा सकता है। वैसे तो जो है थोड़ी सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए क्योंकि कहीं पर लिखा नहीं गया है, लेकिन डॉक्टर लोग अगर इन दोनों इंजेक्शन को मिला करके लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं देखी गई है, ऐसा देखा गया है। ओके, सिंपल है, अगला इंजेक्शन है एबिल प्लस डेक्सोना भी मिला करके लगाया जा सकता है। बेसिकली एबिल में फेनरामाइन मैलिएट पाया जाता है जो कि एक एंटी एलर्जिक औषध है, कहीं पर खुजली है, कहीं मतलब इंजेक्शन या फिर दवा कोई रिएक्शन कर गई है, बाली पर लाल लाल चकत्ते हो गए हैं, ऐसे कंडीशन में एबिल लगाया जाता है। अब साथ में अगर आप डेक्सोना भी मिला दें, ये स्टीरोइड है, तो दोनों जब मिल जाएगा तो चार चांद लग जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। अब क्या हुआ, दोनों को जब मिला करके आप लगाते हैं तो एलर्जी वगैरह ख़त्म हो जाती है। कई बार देखे होंगे छोटे बच्चे रहते हैं या फिर बड़े लोग रहते हैं, उनके बॉडी में एलर्जी हुई रहती है, तब भी डॉक्टर लोग दोनों मिक्स करके लगा देते हैं। तो अभी आपको समझ में आया कि फेनरामाइन और डेक्सामेथासोन, ये दो प्रकार के जो इंजेक्शन हैं इनको आप मिक्स कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, समझ में आई बात। ओके, तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है रिसर्च करने में, PPT बनाने में, उसको रिकॉर्ड करके एडिट करके अपलोड करने में। हम ही समझ सकते हैं आपके लिए हम जो है कितना कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी जो भी क्रिएटर हैं, और हम आपको डेली वीडियो देने की कोशिश भी करते हैं, और कोई फालतू की वीडियो भी नहीं होती है, और हमारे वीडियो में बकवास भी नहीं की जाती है। तो आप लाइक कर दें,
अभी से। अगर आप डिसलाइक किए हैं या फिर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें। चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर, बात कर लेते हैं डेरिफाइलिन प्लस डेक्सोना। ओके, डेरिफाइलिन बेसिकली इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन होता है और डेक्सोना में डेक्सामेथासोन होता है। इन ड्रग को जब आप कंबाइन करके लगाते हैं तो क्या बेनिफिट मिलता है? सपोज करो किसी को सांस फूल रही है या फिर इंजेक्शन मतलब रिएक्शन कर गया है, तब उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, समझ रहे हैं? अस्थमा वाले पेशेंट में बेसिकली इटोफाइलिन मतलब थियोफाइलिन चलाया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप डेक्सामेथासोन मिला के लगाएंगे तो जल्दी रिलीफ मिलेगा पेशेंट को और आपका नाम होगा। होता क्या है, आप इन दोनों इंजेक्शन को मिक्स करके एक ही सिरिंज में लगा सकते हैं। अब काफ़ी लोगों को देखा गया है कि मोनोसेफ होता है जिसमें सेफ्ट्रिएक्जोन मिलाया रहता है, मतलब सेफ्ट्रिएक्जोन, इसमें आप क्या डाल देंगे, डेरिफाइलिन भी मिला देते हैं, डेक्सा भी मिला देते हैं, तीनों मिला करके आईवी कर देते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं देखी गई है। बट आप जो है जो साइंटिफिक है वही काम करें, मतलब अपने से कुछ करने की कोशिश ना करें, वरना जब रिएक्शन होगा तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। ओके, सिंपल है, डेरिफाइलिन प्लस डेक्सोना मिला करके आप लगा सकते हैं। ओके, यहाँ देखिए लिखा गया है जेंटामाइसिन प्लस डेक्सामेथासोन, इसके ऊपर फुल वीडियो हम लेकर आए हैं कि क्यों मिक्स करते हैं, क्यों मिक्स नहीं करना चाहिए। तो आप जेंटामाइसिन में डेक्सामेथासोन मिलाकर लगा सकते हैं। ओके, काफ़ी जो है डॉक्टर मिला करके लगाते हैं और रिस्पांस भी अच्छा देखने को मिलता है। बेसिकली जेंटामाइसिन एक एंटीबायोटिक औषधि है और ये जो है डेक्सामेथासोन स्टीरॉयड है। ओके, जब इन दोनों को मिला करके आप कहीं पर भी लगाते हैं तो बीमारी में जल्दी रिलीफ मिलता है। कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ के लिए आप जेंटामाइसिन लगा रहे हैं, लाइक बुखार के लिए या फिर स्किन इन्फेक्शन के लिए, तो जल्दी रिलीफ मिलेगा, मतलब जल्दी कवर करता है, ठीक करता है। आई होप जेंटा और डेक्सा ये भी क्लियर हुआ होगा। बात कर लेते हैं ऐसे इंजेक्शन आप कभी भी मिला करके नहीं लगाएंगे। अगर आप दो इंजेक्शन को मिक्स करते हैं जिन्हें मिक्स करने पर कलर चेंज हो जाए, सपोज करो आप दो इंजेक्शन मिक्स किए और ये जो है कलर जो है चेंज हो गया, कुछ भी हो गया उल्टा सीधा, ठीक है, तब आप उसको IM या फिर IV मतलब भूल करके भी पेशेंट को नहीं देना है, वरना जो रिएक्शन होगा उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ये गारंटी लेते हैं। ओके, सिंपल है, गाढ़ापन कम या ज़्यादा हो जाए, अगर आप दो इंजेक्शन को मिलाए और गाढ़ापन जो है कम या ज़्यादा हो गया तब भी आप उसको जो है नहीं लगाएंगे। सॉल्यूशन दूधिया हो जाए, भाई दूध देखे हैं आप, तो अगर दो इंजेक्शन मिला रहे हैं तो सॉल्यूशन दूधिया हो जाए, मतलब वाइट वाइट हो जाए, तब भी आप उसको नहीं लगाएंगे। आपके लिए बोनस टिप्स बता रहे हैं कि कैसे पता करें कि दो इंजेक्शन मिलाकर लगाया जा सकता है, ठीक है, ये जो है आपके लिए बोनस टिप्स है। सपोज करो आप दो इंजेक्शन को मिलाए, ठीक है, मिलाने के बाद जो है इंजेक्शन जम जाए तब भी आपको नहीं लगाना है, जायज़ सी बात है। या फिर आप दो इंजेक्शन को मिला रहे हैं तो क्या हो रहा है, इंजेक्शन फट जा रहा है, तब भी आप करेंगे क्या करेंगे, नहीं लगाएंगे। तो ऐसी कुछ कंडीशन होती है जहाँ आपको नहीं लगाना है, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कुछ बोनस टिप्स और दे देते हैं नोट, यहाँ देखिए नोट फिर लिखा जा रहा है, नोट का मतलब होता है कुछ अच्छी बातें। ओंडान सेट्रान को कभी भी किसी इंजेक्शन के साथ मिक्स नहीं करना है। ओंडान सेट्रान बेसिकली उल्टी के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर किसी को उल्टी वगैरह हो रही है वहाँ पर ओंडान सेट्रान का प्रयोग किया जाता है, लेकिन एक बात ये याद रखने वाली है कि आप ओंडान सेट्रान को किसी भी एनीवन किसी भी इंजेक्शन के साथ मिक्स नहीं करेंगे। अभी आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। यहाँ देखिए कॉमन मिस्टेक जो डॉक्टर हैं या फिर जो है नर्सिंग स्टाफ करती है, मान लीजिए किसी को चोट लग गया है, कट लग गया है, उसको पेन हो रहा है, तो उसको जो है डाइक्लो तथा TT इंजेक्शन एक में मिक्स करके ना लगाएं। वो जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं या फिर कुछ प्रैक्टिशनर होते हैं, डाइक्लोफेनाइक को और TT मतलब टिटनेस टॉक्साइड के जो इंजेक्शन आता है उसको एक में मिक्स करके लगा देते हैं। देखिए डाइक्लोफेनाइक टिटनेस एक में मिक्स करके लगा देते हैं, जो कि सही नहीं है, एकदम सही नहीं है, लेकिन देखा गया है कि कोई दिक्कत नहीं होती मरीज को, लेकिन ये जो टिटनेस का जो असर होता है एक डाउन हो जाता है। इसको अलग अलग ही आपको लगाना है, मतलब एक बार डाइक्लोफेनाक लगाएं, एक बार टिटनेस का इंजेक्शन लगाएं। ओके, सो अभी आपको सब कुछ जानकारी मिली होगी, फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही था।